किसने सोचा था नाटू नाटू तेलुगु सॉन्ग रिहाना, लेडी गागा और टेलर स्विफ्ट को बीट करेगा। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड ने तो ऐसा ही सोचा था। ये कौन सी एक्ट्रेस है जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? कौन सी मूवी ने 7 बार ये अवार्ड जीता है? और कौन है इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट और यंगेस्ट विनर? ऐसे और बहुत सारे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स आज हम जानने वाले हैं। यस, आई मीन बेवली कैलिफोर्निया में जब रिहाना, टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा के साथ साथ MM केरवानी, काल भैरवा, राहुल सिप्लीगुंज का नाम लिया गया, इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर के कैटेगरी में अवार्ड मिला। इस सॉन्ग ने काफी US एंड मेक्सिको बेस्ड म्यूजिशियंस एंड उनके बैलेट्स को बीट कर दिया। PM मोदी जी ने भी पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो अब मैदान में उतर चुके हैं तो थोड़ा जान लेते हैं कि ये अवार्ड इतना स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्यों है। जस्ट टू सिंप्लीफाई, इंडियन फिल्म सेक्टर में जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड को ग्रेटेस्ट माना जाता है, उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्कर के बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को ही अप्रिशिएट किया जाता है। इट्स हाई टाइम हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स इकट्ठा कर ले। पहला गोल्डन अवार्ड कब जीता गया था? शुरुआत तो 1943 में हुई थी, बट पहला गोल्डन अवार्ड 1944 में दिया गया था। गोल्डन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के थ्रू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स और फिल्मों को दिया जाता है। गोल्डन अवार्ड में विनर्स को कौन सेलेक्ट करता है? अमेरिका और फॉरेन जर्नलिस्ट से बनी हुई 93 मेंबर्स की टीम वोटिंग के थ्रू विनर्स डिसाइड करती है। अभी तक किन इंडियन फिल्मों को ये अवार्ड मिल चुका है? अभी तक तो सिर्फ 2 फिल्मों को ये अवार्ड मिला था, जिनमें से एक था 2 आंखें 12 हाथ एंड दूसरा था गांधी। लेकिन अभी 2023 में RRR को भी इस अवार्ड में सम्मानित किया गया है। ये कौन से एक्ट्रेस है जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? मीरल स्ट्रीप एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने 8 बार इस अवार्ड को जीता है। एंड नॉट ओनली दैट, सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस के भी रिकॉर्ड को इन्हीं ने ब्रेक किया है। कौन सी मूवी ने 7 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? यस, यू गेस्ट इट राइट, हॉलीवुड फिल्म 2016 की लाला लैंड को कौन भूल सकता है। सुपर सरप्राइजिंग कि ये मूवी 7 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी और 7ों में बाजी मार गई। नेक्स्ट इज, कौन है इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट और यंगेस्ट विनर? 2016 में एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर मिला था एनियो मोरिकोने को। उन्हें ये अवार्ड द हेटफुल 8 मूवी के लिए मिला था। उनकी उम्र उस समय 87 ईयर्स थी। एनियो मोरिकोने को बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर में अवार्ड मिला था। बट ये ओरिजिनल स्कोर है क्या एक्चुअली? ओरिजिनल स्कोर तो फिल्म स्कोर का एक टाइप है। फिल्म स्कोर में एक होता है ओरिजिनल स्कोर और एक होता है अंडर स्कोर। तो पहले फिल्म स्कोर को समझते हैं। फिल्म स्कोर एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ म्यूजिक होता है, यूजुअली इंस्ट्रूमेंटल। मूवी के डायलॉग्स के बदले जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजती है और इमोशंस खींचने के लिए, वो होती है फिल्म स्कोर, जो पूरी मूवी में सीन्स और डायलॉग्स पर बजती है, इवन सॉन्ग्स पे। और इसके 2 मेन टाइप्स हैं, एक है अंडर स्कोर और दूसरा है ओरिजिनल स्कोर। अंडर स्कोर बेसिकली मूवी के डायलॉग और साउंड इफेक्ट्स के लिए बनाया जाता है, जबकि कि ओरिजिनल स्कोर एक ओरिजिनल पीस ऑफ म्यूजिक है जो कंपोजर खुद बनाता है, रिलेटिंग टू व्हाट एक्चुअली गोज इन द फिल्म। और इसके लिए एनियो मोरिकोने को अवार्ड मिला था। अब यंगेस्ट विनर ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला? रिकी श्रॉडर को न्यू स्टार ऑफ द ईयर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था। वो सिर्फ 9 साल के थे तब। उन्हें यह अवार्ड 1979 के द चैम्प मूवी के लिए मिला था। आई होप आपको ये सब जान के काफ़ी मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सरप्राइजिंग टॉपिक के साथ।